गोकशी कराते हैं इस्कॉन मंदिर वाले। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का बड़ा आरोप। मेनका बोली, कसाईयों को गाय बेचता है इस्कॉन मंदिर। यानी इस्कॉन टेंपल पर सीधे सीधे गोकशी कराने का आरोप लगा है। बड़ी बात यह है कि आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं लगाया, बल्कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने खुद ये गंभीर आरोप लगाया है। मेनका गांधी ने इस्कॉन संस्था को देश की सबसे बड़ी धोखेबाज संस्था करार दिया। एक इंटरव्यू के दौरान मेनका गांधी ने बोलते हुए कहा, जो देश के सबसे बड़े धोखेबाज है वो है इस्कॉन। गौशाला और सरकार से उन्हें दुनिया भर का फायदा मिलता है। गौशाला चलाने के लिए बड़ी बड़ी जमीनें मिलती हैं। मैं अभी उनकी अनंतपुर गौशाला में गई थी, एक भी सूखी गाय नहीं थी। पूरे के पूरे डेरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए हैं। इस्कॉन अपनी सारी गायों को कसाईयों को बेच रहे हैं, जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। ये वाले वो लोग हैं जो सड़क पर जाकर हरे कृष्णा करते हैं और कहते हैं कि दूध पर ही उनका पूरा जीवन है। जितनी गाय उन्होंने कसाईयों को बेची है शायद ही किसी और ने बेचा हो। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा। यानी खुद बीजेपी की सांसद ऐसा बोल रही हैं। वही बीजेपी जो गाय के नाम पर राजनीति करती है, वही बीजेपी जो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतती है, और वही बीजेपी जो सनातन के नाम पर लोगों को लामबद्ध करके हिंदू राष्ट्र को बनाने का सपना देखती है। अगर उसी बीजेपी की सांसद ऐसा बोल रही है तो फिर मामला बेहद गंभीर हो जाता है। कोई और ऐसा बोलता तो बीजेपी उसे हिंदू विरोधी घोषित कर देती, लेकिन अब खुद उन्हीं की बड़ी नेता मेनका गांधी ऐसा बोल रही हैं, इसलिए उन्हें हिंदू विरोधी कैसे बताया जाए। मेनका गांधी एनिमल राइट्स को लेकर काफी मुखर रहती हैं। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन इस बार सीधे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगे इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पर बड़ा आरोप लगा है। हालांकि इस्कॉन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। आरोपों को खारिज करते हुए इस्कॉन के राष्ट्रीय प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंदा दास ने कहा कि धार्मिक संस्था ने केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर गाय और बैल की सुरक्षा और देखभाल में सबसे आगे रखी है। उन्होंने कहा कि गायों और बैलों की सेवा उनके जीवन भर की जाती है, न कि उन्हें कसाईयों को बेचा जाता है। आरोप बिल्कुल गलत है। मेनका गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे इस्कॉन के प्रति सरासर झूठ बोल रही हैं। हम उनके इस वीडियो का पूर्ण रूपेण खंडन करते हैं। आजकल ये फैशन हो गया है कि जो देश में नहीं चलता वह सनातन धर्म से जुड़े लोगों और संस्था के ऊपर आक्रमण कर देता है। ये बहुत दुखद है। इस्कॉन पूरे विश्व में गौ सेवा के लिए प्रसिद्ध है और इस्कॉन के भक्त बहुत जी जान लगाकर गौ सेवा करते हैं। इस्कॉन कह रहा है कि सनातन पर हमला करना अब फैशन बन गया है। यानी जो बीजेपी नहीं कह पाई वो इस्कॉन ने कह दिया। मेनका गांधी प्रमाण दे कि वो कब गई थी और वो जो कह रही है क्या उन्होंने उसका वीडियो बनाया है, तो उसको भी शेयर करें। यह महिला पूरा झूठ बोल रही है। मेनका गांधी ने पवित्र हरिनाम संकीर्तन करते भक्तों का भी मजाक बनाया है। हरिनाम संकीर्तन सनातन धर्म के अनुसार कलयुग का युग धर्म है। हिंदुओं की आस्था का इस तरह मजाक उड़ाना ठीक नहीं। मामला सनातन के नाम पर आकर अटक गया है, जबकि मेनका गांधी के आरोप बहुत गंभीर हैं। ऐसे में जरूरी तो ये है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाए और सच सामने लाया जाए। इस्कॉन कभी चढ़ावे को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर पहले भी विवादित रही है, इसलिए इस बार जांच होनी ही चाहिए। लेकिन क्या हिंदुत्व की चाशनी चटाने वाले पीएम मोदी की सरकार इस्कॉन की निष्पक्ष जांच कराएगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीट को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।